ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाइड्रोकार्बन्स. क्या स्टार्ट करेंगे? मजे मजे में इस चैप्टर को पढ़ते. बड़ा आसान चैप्टर है. देखो हाँ, मानता हूँ थोड़ा सा याद करने वाला है, जो तुमसे हो नहीं रहा. ठीक है ना, तुमसे हो नहीं रहा ना याद करने वाली चीज़ें, पर देखो भगवान की कृपा रही तो हो जाएगा पाँच छः बार पढ़ने के बाद. चलो एक बार और देखते हैं हाइड्रोकार्बन. देखो अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूँ, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, तो जैसा कि नाम कहता है, ये चीख चीख के कहता है. क्या कहता है ये चीख चीख के? कि कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. ठीक है, तो जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, ओनली ओनली मतलब ओनली. मैं तुझसे बोलूं कि बता भाई क्या ये हाइड्रोकार्बन है, तू बोलेगा नहीं. क्यों भाई? इसके अंदर आ गया ऑक्सीजन, तो दिस इज नॉट हाइड्रोकार्बन. ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो ओनली, उसी को बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन. क्या बात समझ में आ गया? अब हाइड्रोकार्बन को समझने के बाद ना हम थोड़ी सी और बात जान लेते हैं. भाई इसको पढ़े तो पढ़े क्यों? आपको पता होना चाहिए केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम, LPG, CNG, LNG, जितने भी नेचुरल गैसेस है तुम्हारे पास, है ना, जितने भी पेट्रोल वेट्रोल निकालते हो ना, इन सब के अंदर क्या होता है? हाइड्रोकार्बन. क्या होता है? हाइड्रोकार्बन. इसलिए हाइड्रोकार्बन की स्टडी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. और क्या? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स ही है जिनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है. जैसे मैं आपसे बोलूँ कोई क्रीम लगा रहा है ना, कोई क्रीम लगा रहा है अपनी बॉडी पे सूरज से बचने के लिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कार्बन और हाइड्रोजन है. कोई दारू पी रहा है मस्त एकदम, तो उसके अंदर भी क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन, इथानॉल. तो कार्बन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है. हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि उन्हीं से हम ड्राइव करते हैं बाकी बहुत सारी कंपाउंड, है ना. जैसे मैं बोलता हूँ पॉलीथीन. क्या बोलता हूँ मैं? पॉलीथीन, जिसके अंदर तुम चाय पन्नी क्या क्या भरते रहते, मतलब पन्नी जो चाय पन्नी नहीं बोल रहा है, पॉलीथीन के अंदर चाय लेके आते हैं या मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाते हैं, है ना, तो वो पॉलीथीन भी तो कार्बन और हाइड्रोजन का ही कुछ ना कुछ है, जो आप बाद में पढ़ोगे, पॉलीमराइजेशन होता है कुछ, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे. तो अभी हम क्या समझा रहे हैं कि भाई हाइड्रोकार्बन को पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम डेली लाइफ की हज़ारों चीज़ों लाखों चीज़ों को बनाते हैं. और हाइड्रोकार्बन का बेसिक मतलब क्या होता है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. क्या बात समझ में आती है? अच्छा, अगला टॉपिक पे क्या होता है कि भाई क्लासिफिकेशन या बंटवारा, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन. तो अब कहानी को समझना. कहते हैं कि भाई इसका कैसे कैसे बंटवारा करोगे आप? तो जनरली क्या होता है, आप बचपन से जानते हो, इसको हम बांट सकते हैं कैसे. जैसे आप कभी भी, जब मैं कुछ हाइड्रोकार्बन लिखता हूँ, आपने ऐसा हाइड्रोकार्बन देखा होगा CH3. देखो अगर आपने ऐसा आज तक नहीं देखा है तो दोबारा मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप विष्णु के अवतार हो, आप धरती पर पढ़ाई लिखाई करने नहीं आए हो, पाप मिटाने आए हो. ठीक है, ऐसा हाइड्रोकार्बन देखा होगा डबल बॉन्ड वाले, अरे देख लिया होगा कहीं ना कहीं तो. और एक ऐसा हाइड्रोकार्बन भी देखा होगा ट्रिपल बॉन्ड वाले, देखा होगा. और ऐसा हाइड्रोकार्बन भी देखा होगा जिसमें बेंजीन रिंग हो, ठीक है ना, रिंग वाले. तो ये हाइड्रोकार्बन से क्या ये, क्योंकि इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, कुछ और है क्या? अरे कुछ और दिख रहा है क्या तेरे को? अगर बेटा तेरे को कुछ दिख रहा है, तेरी आंखों में दिक्कत है. देखो सिंपल सी बात है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है इसके अंदर. किसको दिख रहा था भाई को? नहीं दिख रहा है ना. मुझे लगता है तुम्हारी आंखों में अभी क्या दिखना चाहिए, तुम्हारी आंखों में तुम्हारा फ्यूचर जो 15 दिन बाद लिखा जाएगा. तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, चलो छोड़ो. तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में ध्यान रखना भाई कि ये कुछ क्लासिफिकेशंस है. अभी हम पढ़ेंगे, ऐसा दिखा होगा, ऐसा दिखा होगा, ऐसा दिखा होगा, ऐसा दिखा हो गया, तो इसी को हम वर्ड्स में लिख देंगे. तो हमने बोला भाई क्लासिफिकेशन को कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन देखो. तो क्लासिफिकेशन में क्या है, और तुम्हें नहीं लगता टीचिंग का बेस्ट मेथड यही रहता है, कहीं ना कहीं लिख लिख के पढ़ाते रहो, छपा हुआ है तो बोर हो जाते हैं, बेकार सा लगता है. ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल की बात. तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन देखो, अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो आपने अभी पढ़ा सिंगल बॉन्ड वाले, कौन से पढ़े? सिंगल बॉन्ड थे. सिंगल बॉन्ड वालों को बोला गया, नाम रखा गया. देखो सिंपल सी बात है, जैसे अगर कोई पूछे शाहरुख खान से कि भाई तेरा नाम शाहरुख खान क्यों है, या शाहरुख खान की मम्मी ने उसका नाम शाहरुख खान क्यों रखा है, तो ये बहुत इलॉजिकल सी बात होगी. किसी को बुलाने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नाम रखा जाता है. वैसे सिंगल बॉन्ड वालों को रखा गया है सैचुरेटेड बोला जाता है. क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सर इसके कुछ एग्जांपल्स बताओ सर. तो बेटा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये सिंगल बॉन्ड ही है, इसमें सारे CH3, तो ये हाइड्रोकार्बन है पर ये सैचुरेटेड है. वैसे और क्या क्लासिफिकेशन है इसकी? अनसैचुरेटेड. अच्छा अनसैचुरेटेड क्या हो गया? तो वही इसके अलावा जो बचेगा, एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सर इसके एग्जांपल दो सर, ले लो बेटा एग्जांपल, ले रहो CH2 डबल बॉन्ड CH2.
CH, ट्रिपल बॉन्ड CH. तो ये आ गए आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है. वैसे ही और क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है ना. चलो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर. क्या लिख रहा हूँ? एरोमेटिक. तो अभी के लिए याद कर लो, बाद में पढ़ोगे कि एरोमेटिक कंपाउंड बोलते किसको है. मैं कह रहा हूँ अभी के लिए याद कर लो कि उसके पास जनरली बेंजीन रिंग होगा. वैसे बिना बेंजीन रिंग वाला भी एरोमेटिक हो सकता है, पर अभी मान लो कि कहीं ना कहीं उसमें बेंजीन रिंग टाइप का है, जो ज़्यादातर हम इसी के बारे में पढ़ते हैं. तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड और एक बेंजीन रिंग वाला. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे बात की गहराई को, कि हम करवा क्या रहे हैं आपको. पहले हमने आपको ये बताया भाई हाइड्रोकार्बन होता क्या है. हमने बोला कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. फिर मैंने बोला इसकी नीड क्यों है. तो पेट्रोलियम में जाओ, सीएनजी में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, ठीक है, आप मर जाओ तब भी आप क्या बन जाओगे? हाइड्रोकार्बन. बहुत लॉजिकल बात है. तू मर गया तो दब गया, ठीक है, और 100 साल बाद तेरा बच्चा तेरा तेल निकाल रहा है. 100 साल नहीं, 1000 साल बाद, ठीक है. तो हाइड्रोकार्बन की समझ गया ना बात. फिर मैंने क्या बताया? फिर मैंने बताया बेटा कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन वाले. उसको वर्ड्स में लिख दिया हमने कि भाई इसका नाम रखा गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. देखो इस हर नाम के पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉजिक होता है और कई बार लॉजिक नहीं होता है. लेकिन हमें पता है हम 11th में हैं, हम PhD नहीं कर रहे, तो जो वो बोल रहा है हम मान लेंगे. बात समझ पा रहे हो? जो बोल रहा है हम मान लेंगे. और कुछ है? चारा नहीं है, नो ऑप्शन. सो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे. यानी मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम ये बात तो समझ गए कि हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होना है या डबल बॉन्ड होना है या ट्रिपल होना है या बेंजीन वाले होना है, या समझ गया ना ऊपर ऊपर से बात करें तो. यानी हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है? सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड के बारे में सब कुछ, फिर डबल वाले कंपाउंड के बारे में सब कुछ, फिर ट्रिपल के कंपाउंड के बारे में सब कुछ, फिर बेंजीन वाले कंपाउंड के बारे में सब कुछ. क्या बात समझ में आती है? तो सिंगल बॉन्ड के बारे में, सिंगल बॉन्ड वाले को हम अल्केन बोलते हैं. क्या आते तुम्हें? अल्केन. इस चैप्टर में इन्हीं चारों के बारे में डिटेल में पढ़ना है. यही हाइड्रोकार्बन है. अल्कीन क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अल्काइन. अल्काइन इसका बोलते हैं बेंजीन कंपाउंड या बेंजोइड्स कंपाउंड, है ना, बेंजीन. चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, रफली लिख दिया मैंने बेंजीन, ठीक है. अब मेरी बात को समझो, क्या क्या पढ़ना है कि अल्केन कैसे कैसे रूप बदल सकता है, सबके बारे में. अल्केन के कौन कौन से रूप बदलने वाले होंगे, अल्कीन कैसे कैसे रूप बदलेगा, अल्काइन कैसे कैसे रूप बदलेगा, बेंजीन कैसे कैसे रूप बदलेगा. मतलब रूप बदलना मतलब आइसोमर्स. क्या पढ़ेंगे हम? आइसोमर्स मतलब सेम फॉर्मूला, शकल अलग अलग, शकल अलग अलग, स्ट्रक्चर अलग अलग. तो अल्केन पर, अल्केन के बारे में हम इसका आइसोमर देखेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसकी रिएक्टिविटी, किससे रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन नहीं करेगा, ये कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, इन तीनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है, चारों में ज़्यादा बेसिक कौन है, किसकी रिएक्शन किससे होगी. तो यही सब चारों के बारे में स्टडी करना है. यानी ये चैप्टर चार पार्ट में बट गया. पहले अल्केन की पढ़ाई करो, फिर अल्कीन की पढ़ाई करो, फिर अल्काइन की पढ़ाई करो, फिर उसकी पढ़ाई करो और चैप्टर को ख़त्म करो और घर पे रिवाइज करो. बात समझ पा रहे हो? पर तुम रिवाइज घर पे भी नहीं करते, मुझे कराना पड़ता है, हैं? इधर ध्यान दो बेटा. तो हम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट फेमस थिंग, दैट इज अल्केन. अल्केन के अंदर क्या होता है? अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड. क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है. अब अल्केन की खास बात, सबसे पहले हम आइसोमर्स की बात करते हैं. आइसोमर्स का मतलब क्या होता है सबको पता है. देखो बेटा, आइसोमर्स का मतलब होता है भाई सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेम कार्बन रहेगा, सेम हाइड्रोजन रहेगा, बट उसका अलग अलग स्ट्रक्चर. तो मैंने लिख दिया यहाँ पर स्ट्रक्चर अलग होगा. ध्यान रखना, अल्केन कौन सा आइसोमर शो करता है? तो अल्केन शो करता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. अगर बेटा आइसोमरिज्म के बारे में आपको नहीं पता तो बेटा पढ़ाई कर लेना, ठीक है. आइसोमरिज्म क्या होता है, बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने इसके बारे में, ठीक है. पूरी एक वीडियो बनाई थी इसके बारे में, याद है आपको. अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अल्केन शो करता है. सर एक एग्जांपल दो. तो देखो, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH3. मैंने कहा ये पहला स्ट्रक्चर है इसका. देखो रूप बदल लेगा, रूप कैसे रूप बदल रहा है, देखो ये रूप बदल लिया इसने. अरे देखो बदल लिया, देखो देखो यहाँ CH3 लगा दो. अब प्यार से यहाँ का ये क्या छटाओ, क्योंकि एक यहाँ पर बॉन्ड बनाया है. अब आप काउंट कर लो तो देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन, तीन तीन छः चार दस हाइड्रोजन, कितने, तीन तीन छः तीन नौ और एक दस. तो क्या इसमें कार्बन कितने हैं? आप बोलोगे सर चार. हाइड्रोजन कितने हैं सर? दस. इसमें भी क्या है? C4H10. तो ध्यान रखना, आइसोमर का मतलब क्या होता है? सेम फॉर्मूला पर डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट. तो इसकी प्रॉपर्टी अलग है, ये सीधा वाला है, ये थोड़ा ब्रांच वाला है, ये स्ट्रेट है, तो इसको बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं? एन ब्यूटेन.
जब भी कहीं पर स्ट्रेट चैन हो, क्या हो, स्ट्रेट, तो हम एल लगा देते हैं कि आगे कंटिन्यू हो सकता है ये, ठीक है। और ये क्या है, ब्रांच्ड, ये हो गया ब्रांच्ड हमारा, कैसा हो गया ये ब्रांच्ड, इसमें ब्रांच हो गया। और इसका नाम क्या होता है, याद करो, आइसो। जब भी एक कार्बन पे दो कार्बन हो, एक कार्बन पे, जब भी एक कार्बन पे दो कार्बन, तो सर ने कहा था इसको बोलते हैं हम आइसो, क्या बोलते हैं, आइसो। तो ये है आइसोब्यूटेन, क्या है ये, आइसोब्यूटेन। बेटा अगर आपने पीछे का नहीं पढ़ा है तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, समझ रहे बात को। अगर तुम में से किसी को भी लग रहा है कैसी कैसी बातें हो रही है, बहकी बहकी बातें हो रही है, आइसो की बात चल रही है, एन की बात चल रही है, ठीक है, तो भाई पीछे का देखो, अदरवाइज तुम्हें दिक्कत होगी। क्या बात समझ में आती, क्लियरली, पक्का पक्का। तो ये हमारा, हमने छोटी छोटी बातें बताई कि भाई देखो सिंबल, सिंपल सिंपल है, अल्केन पहले हम पढ़ेंगे चार, इस पूरे चैप्टर में हमें चार के बारे में डिटेल में पढ़ना है, एक दो तीन चार, पहले इसकी हम अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, इसकी पोस्टमार्टम, इसकी पोस्टमार्टम, फिर इसकी पोस्टमार्टम करेंगे। तो अभी इसके पोस्टमार्टम में है, हमने बोला अल्केन, हमने बोला अल्केन, अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड सर, ठीक है भाई, सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड में पहली क्या प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, पहली हम पढ़ रहे हैं आइसोमरिज्म, क्या पढ़ रहे हैं कि भाई ये आइसोमरिज्म, कौन सा आइसोमरिज्म, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होगा, क्या कार्बन और हाइड्रोजन सेम रहेगा पर उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। तो फटाफट इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, और सिर्फ उम्मीद करता हूँ। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ एन पेंटेन, क्या बोला उसने, पेंटेन। आप फटाफट आप एन का मतलब समझ लो, वो ऐसे बोलेगा इसके सारे स्ट्रक्चर बनाओ, सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं। देखो तो एन को क्या लिखोगे, एक दो तीन, एन का मतलब स्ट्रेट चैन लिख दो, ठीक है, स्ट्रेट चैन लिख दिया मैंने। अगली बार क्या करूंगा, अगली बार मैं एक को छेड़ दूंगा, एक दो तीन चार यहाँ लगा दूंगा, ठीक है, ये आइसो वाला बन जाएगा ना, एक कार्बन पे दो कार्बन। फिर अगली बार देखो, अगली बार ये आइसो वाला होगा, देखो जब भी एक कार्बन पे दो कार्बन, ये आइसो। अगली बार देखो, एक दो तीन, अब मैंने बीच वाले पे दो लगा दिया, तो अलग अलग स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूँ ना मैं, तो देखो तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पा रहे, और कुछ नहीं कर सकते आप। ये कहलाएगा नियो पेंटेन, क्या कहलाएगा, तो ये बन जाएगा आपका आइसो पेंटेन, ठीक है, ये बन जाएगा आपका नियो पेंटेन। तो ईजिली, बहुत ईजिली आप इस टॉपिक को समझ गए कि भाई आइसोमर, ठीक है। अगला क्या है बेटा, अगला थोड़ा याद करने वाला है, थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा बेकार है, बहुत घटिया है, पर हम जुगाड़ से काम कर सकते हैं। अगला पता है क्या है, तुमने ये सीखा हाइड्रोकार्बन क्या है, तुमने ये सीखा कि भाई अल्केन क्या है, तुमने सीख लिया कि अल्केन स्ट्रक्चर बदलता है, स्ट्रक्चर आइसोमर शो करता है। अब तुम्हें यह सीखना है कि अल्केन को पैदा कैसे करोगे, अल्केन को बनाओगे कैसे। जैसे कि कभी कभी होता है ना, रात को आप घर पे बैठे हो और एकदम से मन करता है मैगी खा लेता हूँ, ठीक है, बहुत तगड़ा मन करता है, मैगी घर पे ना हो, रात के 8-9 बज रहे तो एकदम तड़प के गए, कूद के गए, कहीं से लेके आए, ठीक है, और बड़े दिल से मैगी बनाया, और जब प्लेट में मैगी आती तो नमक डालना भूल गए थे, या कुछ ऐसा वैसा हो जाता है ना। तो मैं ये समझा रहा हूँ, जैसे मान लो कोई बंदा है, उसका एकदम से मन करता है कि मेरे को हाइड्रोकार्बन खाना है, क्या खाना है, हाइड्रोकार्बन, और भी हाइड्रोकार्बन में कौन सा वाला खाना है, सिंगल बॉन्ड वाला, कौन सा वाला, यानी मेरे को अल्केन खाना है, क्या खाना है, अल्केन। उसको घर के अंदर अल्केन को खाना है, पर अल्केन घर के अंदर है नहीं, फ्रिज खोला, अल्केन नहीं है, तो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि मैं अल्केन को बनाता हूँ, अल्केन को तो कहाँ से बना सकता है, उसकी फ्रिज में अगर डबल बॉन्ड हुआ तो वहाँ से भी ये बना सकता है, उसके फ्रिज में अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ, कितना हुआ, ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ से भी ये अल्केन को बना सकता है। कैसे बना सकता है, फ़र्क ही क्या है, देखो मैंने कहा दो कार अल्केन मुझे ये चाहिए था, CH3 चाहिए, क्या चाहिए, CH3 एंड, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इन दोनों में कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, देखो यहाँ पर चार हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हैं, छः, वहाँ चार हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं, छः, तो दो हाइड्रोजन डाल दे, हो गया, हाइड्रोजन डाल के बना लेगा अल्केन, खाएगा, बात समझ पा रहे हो। वैसे इसमें और इसमें कितने हाइड्रोजन का गैप है, अरे चार का गैप है, देख यहाँ छः है, यहाँ पर दो है, चार का गैप है, चार, तो 2H2 डाल देगा वो, ले चार हाइड्रोजन डाल दिया उसने, तो बन गया। तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजिनेशन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजिनेशन हम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन। प्रिपरेशन में मेथड क्या है, हाइड्रोजिनेशन। अच्छा मेरा मकसद क्या था, अल्केन को प्रिपेयर करना, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। और मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ क्या है, बताओ, मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड और CH ट्रिपल बॉन्ड। तो मैंने इसको फ्रिज से निकाला, कहाँ से निकाला, इसको फ्रिज से निकाला, फिर मैंने क्या किया,
इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया, हाइड्रोजन को ऐड किया। अब हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो बर्तन भी चाहिए, क्या चाहिए? बर्तन। अरे बर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बर्तन हमने ले लिया, मान लो हमने ले लिया निकल, क्या ले लिया? निकल, प्लैटिनम या प्लैटिनम, इनके बर्तन है, क्या है? इनके बर्तन। जिससे क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन मिल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? CH3, CH3। यहाँ क्या मिल जाएगा? CH3, CH3। तो देखो आपने बना लिया, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजिनेशन। यहाँ बैलेंस कर लो इसको, 2H2 लिख दो, ठीक है? और यहाँ पर निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम। क्या बात समझ में आ गया? अच्छा, ये सब होते क्या है? ये सब ऐसे मान लो ये बर्तन है, क्या है? साइंस में इनको बोलते हैं हम कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। ये सारे कैटलिस्ट है, क्या ये? कैटलिस्ट। क्या बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी अगर आपसे कोई बोले कि मेरे को अल्केन खाना है, क्या खाना है, तो आप कहाँ कहाँ से बना सकते हो? बहुत सारे मेथड है। अभी हमारे फ्रिज में क्या था? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन ऐड किया और बन गया। तो फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। फिर एक बार की बात है कि जैसे दोबारा फ्रिज को खोला गया, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक दिन मन किया कि भाई दोबारा हम खाएंगे अल्केन को। कैसे खाएंगे? अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। किसको खाएंगे? ध्यान दो इधर, सिंगल बॉन्ड को खाने का मन था। बंदा रात को देखता है फ्रिज में जाके, तो इस बार इसको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई दिए, उसको दिखाई दिया ये CH3Cl दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? CH3Cl दिखाई हुआ। तो बंदा एकदम से कह रहा, अब मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो CH4 चाहिए ना, मुझे सिंगल बॉन्ड चाहिए। क्या चाहिए? अगर उसको ये दिखाई देगा CH3CH2Cl, तो उसको क्या खाना पड़ेगा? CH3CH2। उसको सिंगल बॉन्ड चाहिए, क्या चाहिए उसको? सिंगल। पर उसके फ्रिज में ये, उसके फ्रिज में ये है, तो करे तो करे क्या? साफ दिख रहा है कि यहाँ से क्लोरीन को भगाना पड़ेगा और हाइड्रोजन को लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए एक रिएक्शन आया। क्या रिएक्शन आया? तो देखो उस रिएक्शन को देखना, याद करने का तरीका समझना, ठीक है? अब क्या बोला गया कि मान लो कहीं पर CH3Cl है, CH3Cl, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा हाइड्रोजन। क्या ऐड करना पड़ेगा? चलो भाई, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, H2 लिख देता हूँ, H2 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर जो बर्तन होगा उसको, वो होता है जड़न HCl। तो आंसर क्या आएगा बताओ? देखो यहाँ एक H लग जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3H। बाकी जो निकल गया वो निकल गया, उससे मतलब नहीं। उस बंदे को खाना क्या है? उसको खाना क्या है? CH3H, मिथेन, सिंगल बॉन्ड खाना मिल गया। इसको बोला गया रिडक्शन। क्या बोला गया? रिडक्शन। अब रिडक्शन क्यों है बताओ? ये वाई इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इज कॉल्ड रिडक्शन। अच्छा, अब याद कैसे रखोगे? तो सुनो, यहाँ लिखा है C4Cl, क्या लिखा है? क्या लिखा है? कल चल, ये Cl को चल पढ़ लो, कुछ भी कर लो यार, C4Cl ऐसे लिख लो, इसको ऐसे पढ़ लो, कल कल, ऐसा सही है ना? ये क फॉर क हो गया, कल कल, हाँ, क्या ये? हाँ कल, हाँ जान, हाँ चल, कुछ ठीक है, कुछ भी बना लो भाई। क्या क्या ये क्या है? ये क्या है? कोई भी जुगाड़ लगा रहे हो, छोटे से, अब तुम्हें याद रहेगा। देखो हमने बकवास कर लिया, अब सबको याद हो गया। CH3Cl था, उसमें हाँ H2 था, जान हाँ चल, जान जडन SL, कल हाँ जान हाँ चल, कल हाँ जान हाँ चल। बात समझ में आ गया? तो अगर एक दो क्वेश्चन मैं इसके ऊपर दूँ तो तुम ऐसे कर लोगे। देखो मैं, देखो बकवास करना चाहिए कई बार ना, स्टोरी बनाना चाहिए, उसे याद रहता है, ठीक है ना? अब देखो मैंने बोला ऐसा क्वेश्चन आ गया, CH3CH2CH2, यहाँ पर आ गया ब्रोमीन, क्या आ गया? तो आपको तो पता है ना क्लोरीन ब्रोमीन सब भाई होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब भाई है ना, या फ्लोरीन हो तो भाई होते हैं, क्या होते हैं? सारे भाई। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? आप डाल दो यहाँ पर, क्या डाल दोगे बताओ? H2 डालोगे, क्या डालोगे? फिर ZnHCl, हाँ चल, तो आपको पता ना Cl लग जाएगा, ठीक है? यहाँ पर HBr डाल दो, क्या डाल दो? HBr, एसिडिक मीडियम होना चाहिए, तो देखो Br लग जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा? H लग जाएगा, CH3CH2CH2H, H लग गया लास्ट में, अरे लास्ट में क्या लग जाएगा? H। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, संभाल लोगे। तो ये भी एक मेथड है क्या प्रिपेयर करने का, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करने का मेथड है। याद आया? देखो CH3Cl है, Cl है ना, तो कल हाँ, H2 जान हाँ चल, जन मतलब जान। बात समझ में आ गया? याद आ गया? तो ये भी एक मेथड है, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको लिखना ऐसे नहीं है, लिखना ऐसे है प्रॉपर तरीके से, गलती मत करो। प्रॉपर तरीका ये है कि कहीं पर लिखा होगा R,
R मतलब कार्बन और X मतलब हेलोजन. एग्जाम्पल क्या है इसका? CH3Cl. इसमें क्या डाल रहे हो आप? इसमें डाल रहे हो आप H2 ZnSCl. ZnSCl तो क्या बन रहा है ये? RH बन रहा है. क्या बन रहा है? RH, जो हमें चाहिए. समझे मेरी बात को? अब जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, ये हो गया देखो, तो H2 ZnSCl, ZnSCl. पिछला वाला ही है ये, तो यहाँ पर एस ए क्या होगा, ये CH3H लग जाएगा, यहाँ पर CH3H लग जाएगा और जो भी बाहर निकलना निकल जाएगा, वैसे HCl निकलता है. मैंने बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है. अब सिंपल से ध्यान रखना, इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड. क्या बोलते हैं? अल्काइल और हैलाइड. क्यों भाई? यहाँ पर अल्काइल भी और हैलोजन भी है. हैलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और ये तो आपको पता है हाइड्रोजन है ये, ठीक है, ये आपका मीथेन है, मीथेन. ठीक है, बात समझ में आ गया? रिडक्शन में कुछ नहीं होना. जब भी आपको दिखाई दे Cl, क्या दिखाई दे? क्लोरीन. क्या दिखाई दे? उसमें डाल दो आप जान हचल, जान और H जुड़ जाएगा. बात समझ में आ गया? जान हचल, Cl को हम चल पढ़ रहे हैं, तो ये थिंग्स आर वेरी इजी, नोट कर लो दोस्त. अब दोबारा मेरा मन किया कि मैं सिंगल बॉन्ड को खाऊं. किसको खाऊं? सिंगल बॉन्ड. लेकिन भूख बहुत ज़्यादा, भूख बहुत. देखो मेरा मन किया कि मैं सिंगल बॉन्ड को खाऊं, पर भूख बहुत ज़्यादा, भूख बहुत. मैंने फ्रिज खोला, मुझे फ्रिज में ये दिखाई दिया CH3Cl, पर मेरा भूख मिटेगा जब मैं खाऊंगा CH3CH3. देखो पहली बात तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, अल्केन नहीं है. क्या नहीं है? अल्केन. फ्रिज खोला, अल्केन भी नहीं है. CH3Cl पड़ा है, पर मेरी भूख मिटेगी ज़्यादा कार्बन से. किससे? मेरे को CH3CH3 चाहिए. कार्बन दुगना करना पड़ेगा, कार्बन. अब मुझे इसके लिए सोचना है कुछ ना कुछ. अगर किसी ने ऐसा दे दिया CH3CH3, पर मेरी भूख मिटेगी इससे CH3CH2CH2CH3. भाई जब भी भूख ज़्यादा हो, जब भी कार्बन दुगना करना हो, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि देखो भाई, आप उसमें डाल दो 2Na ड्राई ईथर. क्या डाल दो? 2Na ड्राई ईथर. ऐसे याद कर लो कि मुझे भूख ज़्यादा लगी थी या गेस्ट बहुत ज़्यादा थे. गेस्ट बहुत, मान लो हम कुछ बना रहे हैं, ऐसे मान लो हम पनीर बना रहे. क्या बना रहे? पनीर. और गेस्ट बहुत ज़्यादा है, गेस्ट बहुत ज़्यादा है और पनीर के पीसेस बहुत कम है. तो तरीका क्या होता है? प्याज ज़्यादा डाल दो उसमें, नमक ज़्यादा डालो, पानी ज़्यादा डाल दो. तो वही कर रहे हैं हम. ध्यान रखना, जब भी हमें कार्बन दुगना करना हो तो हम मटेरियल डालते हैं. ईथर डाल दिया हमने, चाहिए हमें अल्केन, पर डाल रहे उसमें ज़्यादा फैलाने के लिए, पेट को ज़्यादा भरने के लिए ईथर डाल रहे. क्या डाल रहे? ड्राई ईथर डाल रहे, नमक डाल रहे, सोडियम डाल रहे. कार्बन दुगना होगा, कार्बन दुगना हो जाएगा. बात समझ पा रहे हो? तो हम कुछ भी स्टोरी बना रहे. स्टोरी हमने क्या बनाया? कार्बन दुगना करना तो क्या डालना पड़ेगा? 2Na ड्राई ईथर, 2Na ड्राई ईथर. बात समझ में आ गया? तो क्वेश्चन हो गया. इसी को बोला गया वुड्ज रिएक्शन. क्या बोला गया? देखो याद करने का हम ट्रिक बना रहे हैं. वुड्ज रिएक्शन. तो वुड्ज रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वुड्ज रिएक्शन पढ़ रहे हैं. वुड्ज रिएक्शन, इसी का नाम होता है वुड्ज रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये? ये कब इस्तेमाल करते हैं? टू गेट हायर अल्केन. हायर मतलब भारी, दुगना, ज़्यादा. हायर अल्केन, जिसमें कार्बन क्या हो जाएगा? दुगना. कार्बन हो जाएगा डबल. कार्बन क्या हो जाएगा? डबल. और भूख ज़्यादा लगी है हमें, तो हमने क्या डाला उसके अंदर? नमक डाल दिया, Na डाल दिया. नमक मतलब Na, 2Na डाला और ड्राई ईथर, ताकि एकदम भर सा जाए. तो अब किसी को भी याद रहेगा, सपने में भी देखो CH3Cl था, उसमें H2 डाला, जान हचल ZnSCl, वो भी याद हो गया हमें. और हमने क्या स्टोरी बनाया पीछे, कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था फ्रिज में, मेरे को सिंगल बॉन्ड चाहिए तो मैंने हाइड्रोजन डाला. याद हो गया ना? तो स्टोरी से हमें रिएक्शन याद हो जाते हैं. ठीक है. तो ध्यान दो, 12th में तो इससे बेस्ट ट्रिक है हमारे पास. ये कोई ट्रिक नहीं है, तो मैं रैंडम बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें याद हो जाए. तो ये वुड्ज रिएक्शन क्या होता है? टू गेट हायर अल्केन और कार्बन डबल हो जाए. कार्बन, जिंदगी में कभी भी कार्बन डबल करना हो क्या लगाओगे? वुड्ज रिएक्शन. तो क्या है? मैंने बोला CH3Cl है, CH3Cl, और मैंने इसमें डाल दिया 2Na ड्राई ईथर, 2Na ड्राई ईथर, ड्राई ईथर. तो आंसर क्या मिलेगा? CH3CH3. अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए? बैलेंस. ठीक है, और यहाँ पर पता है आपको सोडियम है और क्लोरीन है, तो नमक निकलेगा. क्या निकलेगा? नमक, NaCl निकलेगा. अरे बगल में नमक ही तो निकलेगा, तो अब बैलेंस कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो. क्यों? 2 सोडियम है, 2 क्लोरीन है. क्या बात समझ गया? तो रिएक्शन बैलेंस हो गया. क्या हो गया? बैलेंस. अगर आपसे कोई मजाक सपने में क्वेश्चन बोलता है, सपने में क्वेश्चन दिया उसको आपने, उसने बोला CH3CH2 और Cl, अब बता मैंने इसके अंदर डाल दिया 2Na ड्राई ईथर, 2Na ड्राई ईथर. किसी ने आपको सपने में बोल दिया ये क्वेश्चन करके दिखा, तो पता है क्या बोलेगा? तो बोलेगा हैं CH3 CH2 CH2, क्योंकि सर ने सिखाया था
ईथर कब डाला था जब भूख ज्यादा थी, भूख तो कार्बन डबल कर दिया हमने, तो ये हो गया वुड्स रिएक्शन। क्या हो गया ये? तो वुड्स रिएक्शन वाली बात आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। जब भी भूख ज्यादा हो नमक डाल दो, ईथर डाल दो, ताकि खाना फैला फैला सा लगे। फैल गया खाना, फैल गया ना। अब यहाँ पर और एक और चीज निकलेगा ना, नमक निकलेगा, NaCl। अब बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ टू, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, बैलेंस करने के लिए टू 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 टू। बात समझ में आ गया? तो हमने पढ़ा वुड्स रिएक्शन, ठीक है। ये वाला नोट कर लिया था, पीछे वाला ये, इसे इसे ये वाला करो फटाफट नोट, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है? यही लिमिटेशन है कि आप कभी भी CH4 नहीं बना सकते, क्योंकि हमेशा ये कार्बन दुगना करता है और CH4 में तो एक ही कार्बन है, ठीक है। तो कभी भी कार्बन दुगना नहीं कर सकता वुड्स रिएक्शन, तो उसमें CH4 नहीं बन सकता। तो मिथेन कैन नॉट बी फॉर्म, लिख देना इसको वर्ड्स में, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिथेन कैन नॉट बी फॉर्म। ये हम लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन, ऑफ वुड्स रिएक्शन, कि भाई वुड्स रिएक्शन की कौन कौन सी लिमिटेशन है, ठीक है। जैसे मुझे रटी हुई है, दूसरी लिमिटेशन देखो। दूसरी लिमिटेशन ये है कि वुड्स रिएक्शन ना हमेशा आपको क्या निकाल के देने वाला है, एक कार्बन का दूसरा कार्बन, दो कार्बन का चार कार्बन, चार कार्बन का आठ कार्बन, आठ कार्बन का, लेकिन कभी भी तीन नहीं मिलेगा, कभी पांच नहीं मिलेगा। तो ये पंगा है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल मिलेगा आपको जनरली, क्या मिलेगा, या मान लो हम चाहते कि ऑड बनाए, क्या बनाए। तो मैंने दिमाग क्या लगाया, मैंने बोला एक बार लूंगा मैं CH3Cl और अगली बार ले लेता हूँ ये CH3CH2Cl, ये ले लिया मैंने। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें 2Na ड्राई ईथर, ताकि क्या निकल जाए, ताकि 2NaCl निकल जाए, क्या निकल जाए। अब मैंने ये डाल दिया तो क्या निकलता है, दो बार नमक निकलता ना, नमक तो दो नमक निकल जाएगा, यानी ये Cl भी निकल गया, ये Cl भी निकल गया, 2Na भी निकल गया। तो ये वाला और ये वाला पार्ट आपस में जुड़ जाएगा, अरे दोनों बड़े बड़े पार्ट जुड़ जाएंगे ना। तो देखो इससे मिला CH3CH2CH3, लेकिन सिर्फ ये नहीं मिला, और भी पंगे पड़ गए। पता क्या हुआ, समझना, ये तो मिला ही मिला, ये तो ऑब्वियस था बहुत कि भाई ये Cl हटेंगे तो ये मिलेगा। और अगली बार क्या हुआ कि जैसे CH3 ने खुद से भी कर लिया, खुद को भी दुगना, क्योंकि ये दुगना करने वाला रिएक्शन है ना, तो CH3 भी खुद को दुगना कर लेता है, तो ये भी मिलता है, ये भी मिल जाता है, और ये बंदा भी खुद को दुगना कर लेता है, तो ये भी मिल जाता है CH3CH2CH2CH3। क्या बात समझ पा रहे हो? पहले तो क्या हुआ, अच्छा अच्छे हो जाएगा ना इस वाले में, जब ये खुद को दुगना करेगा तो, नहीं चार ही होगा ना, ठीक तो है। ये खुद को दुगना कर रहा है ना, ये खुद को दुगना कर रहा है, ये खुद को दुगना कर रहा है, और ये आपस में भी रिएक्शन कर रहे हैं। क्यों? हमने अलग अलग कंपाउंड लिया, क्या लिया हमने, तो जब भी अलग अलग अल्काइल हैलाइड लोगे तो कंपाउंड आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो मिक्सचर ऑफ अल्केन मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, मिक्सचर ऑफ अल्केन, मिक्सचर ऑफ अल्केन। अच्छा मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, ताकि मुझे कैसा मिल जाए, तीन नंबर वाला, कितने नंबर वाला मिल जाए। मैंने सोचा कि यार अगर मैं कोई बंदा लेता हूँ दुगना हो जाता है, तो मैंने कहा कि अलग अलग लेता हूँ मैं, दो कार्बन इधर एक कार्बन इधर, ताकि मुझे कितने मिल जाए, तीन कार्बन, पर फिर भी काम नहीं हुआ। यहाँ पर मिक्सचर ऑफ अल्केन है, क्या मिक्सचर ऑफ, अब इनको सेपरेट करना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा, और आप छाट नहीं पाओगे कि तीनों एक जैसे ही होते हैं, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर, बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर, बॉइलिंग पॉइंट। देखो छाटने का तरीका क्या होता है, छाटने का तरीका कि आप क्या करो, तीन चार चीज़ मिली हुई है, मान लो नमक और पानी, नमक और तुझे नमक को छाटना है, तो तू गर्म कर, गर्म करेगा पानी उड़ जाएगा, नमक नीचे रह गया, तो छाट लिया हमने। तो हम यही सोचते हैं कि हम इसको छाटेंगे, क्या करेंगे, तो छाटने के लिए हम हीट करते हैं, हीट। अब तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, बॉइलिंग पॉइंट कैसी है, बॉइलिंग पॉइंट एक जैसी है ना, तो तीनों ही ऊपर आ रहे, और ठंडा करोगे तीनों ही नीचे जा रहे, तो भाई तीनों साथ में है तो मिक्सचर है, सेपरेट नहीं कर पाओगे, सेपरेट यानी कभी भी ऐसे कंपाउंड नहीं बना पाओगे, ऐसे कंपाउंड, या फिर कोई भी कंपाउंड नहीं बना पाओगे, कोई भी कंपाउंड आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब सेपरेटेड है ना, मिला हुआ है। आप सोचो कि अकेले मैं इसको निकाल लूँ, नहीं निकलेगा, ऐसे ये इसको निकाल लूँ, नहीं निकलेगा, इसको निकाल लूँ, नहीं निकलेगा। यानी कि होता क्या है, जब भी हम वुड्स रिएक्शन में कैसा लेंगे, हम ऐसे कार्बन ले जो अलग अलग है, अलग अलग अल्काइल हैलाइड, डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, तो मिक्सचर ऑफ अल्केन बनेगा, और उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, तो वुड्स रिएक्शन यहाँ फेल हो गया। वुड्स रिएक्शन इज नॉट अ गुड मेथड फॉर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, डिफरेंट वुड्स रिएक्शन हमेशा काम करेगा सिमिलर के लिए, बस एक कंपाउंड डालो, बस CH3CH2। बात समझ पा रहे हो, वुड्स रिएक्शन हमेशा सेम के लिए, इसमें हमने कितने डाले CH3Cl, बस
अगर आपने अलग अलग अल्कली लाइट डाला तो वुड्स रिएक्शन काम नहीं करता। तो ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वुड्स रिएक्शन इज नॉट लिमिटेशन में क्या हो जाएगा, लिमिटेशन में क्या हो गया, लिमिटेशन में वुड्स रिएक्शन इज नॉट, लिमिटेशन में क्या हो गया, वुड्स रिएक्शन इज नॉट होल्ड गुड फोर डिफरेंट अल्काइल हलाइड डिफरेंट अल्काइल हलाइड। क्या बात समझ में आया, उसके लिए गुड होल्ड नहीं करता। रीजन क्या है, हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे जो भी कंपाउंड बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, डिफरेंट अल्काइल हलाइड लेंगे तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो नोट करो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखो, ये रिविजन में तुम्हारे करा रहा हूँ, ध्यान दो। लिखा है कन्वर्ट मिथेन टू इथेन, एक कार्बन से दो कार्बन, भूख ज्यादा, नमक डालेंगे, ड्राई ईथर डालेंगे, याद आ गया? तो गलत हो गया। गलत कैसे हो गया, यहाँ पर सीएल तो होना चाहिए ना, अरे सीएल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सीएल। तो आपको पता क्या करना है, पहले आपको लेना है CH4, क्या लेना है, अब पहले इसमें क्लोरीन लगाओ, क्या लगाओ, तो क्लोरीन लगाने का मेथड क्या होता है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, H2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो सबसे पहले क्या बनेगा, ध्यान दो, जिन बच्चों को ये पहले से नहीं पता है कोई बात नहीं, चिल याद कर लिया कि क्लोरीन लगाने के लिए Cl2 डालते हैं और H2, ये सनलाइट है, एनर्जी है, H2 लाइट एनर्जी, केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, प्लैंक क्वांटम थियोरी, ध्यान रखना। आगे देखो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl। अब ये बन गया, अब हम लगा सकते हैं, देखो अब कार्बन दुगना कर सकते हैं, नमक डाल के, क्या डाल के, नमक यानी सोडियम डाल के और ड्राई ईथर, क्यों भूख ज्यादा है, जब भी हमें भूख ज्यादा हो, देखो एक कार्बन से मीथेन से जाना है इथेन, एक कार्बन से दो कार्बन, तो पहले क्लोरीन लेके आया मैं, अब डाल दूंगा तो बन गया CH3। अब बैलेंस करने के लिए क्या करूं, यहां दो कार्बन है, यहां दो लगा दूं यहां पर, तो हो गया काम, यहां पर क्या निकला हुआ, दो नमक, NaCl निकलेगा दो, क्या बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है किसी को। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है इथेन टू ब्यूटेन, यानी दो कार्बन से 1, 2, 3, 4 कार्बन, यानी दोबारा भूख ज्यादा है, तो पहले दो कार्बन बनाओ CH3, पहले उसमें डालो क्लोरीन, बेटा क्लोरीन के बिना होगा ही नहीं, वुड्स रिएक्शन में हमेशा क्लोरीन लगता है, वुड्स रिएक्शन में क्लोरीन होगा ना, क्लोरीन के बाद जो नमक निकलेगा NaCl, तो क्लोरीन लगाओ, क्लोरीन लगाया तो CH2Cl हो गया, क्या हो गया, Cl, अब डाल दो 2Na ड्राई ईथर, तो भैया ये हो जाएगा दुगना CH3CH2CH3 2NaCl, यानी NaCl दो बार, NaCl सबको टू कर दो, टू हो गया, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई पंगा है क्या। अब अगला क्वेश्चन, तुम्हें नहीं आया बेटा, ठीक है, आगे देखो, आगे अगला है मीथेन से ब्यूटेन, एक कार्बन से 4 कार्बन, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक को 2 कर दूंगा, फिर 2 को 4 कर दूंगा, क्या बात, मजा आ गया, देखो कैसे मजा आया, सुनो पहले मजा लो, इधर सबसे लास्ट में करते हैं इसको, सीरीज बिगड़ जाएगी। देखो पहले उसने बोला एक कार्बन से तू 4 कार्बन जाके दिखा, 1, 2, 3, 4, तो स्टेप देखो, पहला स्टेप, पहले एक कार्बन को लिखूंगा, पहले मुझे पता है इसमें वुड्स रिएक्शन लगाना, क्या लगाना है, तो वुड्स रिएक्शन के पहले सीएल लाएंगे, वुड्स रिएक्शन के लिए हमेशा सीएल लाओ, तो CL2H3Cl, भूख बहुत ज्यादा है, कार्बन को दुगना करना है, फिर दुगना करना है, तो अब क्या बन जाएगा बताओ, 2Na डाल दो, 2Na डालोगे दुगना हो जाएगा, 2Na ड्राई ईथर, तो ये बन गया CH3CH2, ठीक है, और 2NaCl, यहाँ भी 2 लगा दो। अब अगली बार एक और बार वुड्स रिएक्शन लगाएंगे, लेकिन पहले क्या लगाओ, Cl, अब इसमें Cl और लगाओ, बेटा देखो बात को समझो, गहराई को समझो, Cl लगाओगे तभी नमक Na डालोगे तो नमक निकलेगा, वुड्स रिएक्शन के लिए हमेशा Cl लाओ पहले, बात समझ पा रहे, आ रहा बेटा, तो खुश क्यों नहीं है तू, कैसे खुश देखूं मैं, ठीक है, ध्यान दो, तो इसमें Cl2H2, तो CH3CH2Cl, 2Na ड्राई ईथर, तो ये CH3CH2CH3 2NaCl 2NaCl
टू हो गया, बात समझ में आ गया। बताओ क्या मजा आ गया तुम्हें? हो जाएंगे क्वेश्चन इजिली, तो फटाफट इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते। बेटा तुम पीछे करके नोट करो जो वीडियो देख रहे हो। दोस्तों अगर मैं सबको रिवाइज कराऊं, देखो फ्रिज में क्या क्या था हमारा टारगेट समझो। फ्रिज में एक बार था डबल बॉन्ड, क्या था डबल बॉन्ड। एक बार फ्रिज में था ट्रिपल बॉन्ड, एक में फ्रिज था, एक फ्रिज था सीकल कल वाला ना, CH3Cl वाला, ठीक है। और एक बार फ्रिज में था भूख ज़्यादा, लेकिन सामान यही था सेम। तो हमने इसमें क्या डाला था, H2 और प्लेट निकल का प्लेट था या प्लेटिनम का या तो प्लेटिनम का, इसमें भी सेम था। आंसर क्या आया था, CH3। क्या बात याद आ गई आप लोगों को सारी? बताओ अब इस वाले में क्या था सर, आपने डाला था H2 और जान हाचल याद है। तो यहाँ पर क्या जुड़ गया था, CH3H, याद करो CH3H। अब इस वाले में क्या सर, आपने डाला 2Na ड्राई थर, 2Na ड्राई थर, तो 2222 क्या था इसमें, 2222 CH3 2NaCl, तो यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2। क्या बात समझ में आ गया सर? एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने सिखाई कि कभी भी लिखा हो कार्बन कार्बन और बगल में हो हाइड्रोजन, बगल में क्या हो, या कभी लिखा हो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, अगर आपको क्लोरीन लगाना है, क्या लगाना है क्लोरीन, तो सर आपने सिखाया किन में डाल दो Cl2H2, अपने आप आंसर आ जाएगा CH3Cl या तो CH3CH2Cl। किसी में भी क्लोरीन लगाना हो यही तरीका होता है। सर अभी तक आपने ये सब पढ़ा दिया, हमें अच्छा लगा, हमें याद भी हो गया कि इसको वुड्स रिएक्शन बोलते थे, इसको रिडक्शन बोलते थे क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इसको बोलते थे क्या हाइड्रोजिनेशन क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इनको भी हम रिडक्शन बोल सकते हैं क्यों हाइड्रोजन ऐड हो रहा ना, तो ये सारे रिडक्शन क्या है यह है वुड्स रिएक्शन। क्या ये, इसमें हमेशा भूख ज़्यादा होती है, कार्बन दुगना होता है, 1 से 2 बना सकते हैं, 2 से 4 और 4 से 8। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब क्या, तो अब हम पढ़ेंगे फ्रिज के अंदर से एक और माल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दोबारा ये फ्रिज है, दोबारा क्या है ये फ्रिज। अब इस फ्रिज में पता क्या रखा हुआ था, एसिड, क्या रखा हुआ था एसिड, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, पता है ना, एसिड के साथ नमक भी था, एसिड के साथ क्या था नमक, एसिड के साथ नमक, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है COH, अरे एसिटिक एसिड पढ़ा आप लोगों ने, एसिटिक एसिड, अरे ये एसिटिक एसिड है। मान ले तेरे फ्रिज में एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है पर नमक के साथ, सोडियम के साथ, सोडियम के साथ, लेकिन तेरी भूख क्या है, तुझे क्या खाना है, तेरे खाना है भाई, तेरा मन है CH4 खाने का, तेरा मन तो यही ना, सिंगल बॉन्ड अल्केन खाने का, हम पढ़ी क्या रहे अल्केन। तो क्या तरीका है, तरीका ये है कि तू इन सबको भगा दे और यहाँ पर एक कैच लगा दे। तो इसके लिए जो हम डालने वाले हैं वो है NaOH, क्या बेटा NaOH और CaO प्लस, इसको बोलते हैं सोडा लाइम, क्या बोलते हैं सोडा लाइम, इसको बोलते हैं सोडा लाइम, पढ़ा होगा आपने 10th में। तो होता क्या है, देखो बेटा यहाँ Na और ये Na, ठीक है, और ये ऑक्सीजन, ये पूरा देखो, ये पूरा दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, देखो Na दो Na C और 3 O, आपको भगा किसके रहे हो आप, देखो ये जो H है आपका, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये H तो यहाँ लग जाएगा, ये H तो यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH4, दिख रहा है, और बाकी जितने हैं सबको भगा दो, बगल में लिख दो NO2, दो बार Na, दो बार Na, एक बार कार्बन और एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, CO3, तो NO2 CO3 निकल गया और जो H था, ये वाला जो H यहाँ लग गया और आंसर बन गया। तो अगला मेथड इसी को बोलते हैं वेरी फेमस वेरी इंपॉर्टेंट डीकार्बोक्सिलेशन, क्या बोलते हैं इसको डीकार्बोक्सिलेशन। तो सर डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, आपको बस CO कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकालना है, या CO3 निकाल दिया हमने, सोडियम कार्बोनेट जो 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 आपको लग रहा है यहाँ से ट्रिक से जो निकल रहा है वो निकाल दिया, बाई कार्बोनेट में आ जाता है, मैंने गलती से बोल दिया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला सर, एक क्वेश्चन बताओगे तो आ जाएगा, तो क्वेश्चन ले बेटा, मैंने बोला कहीं लिखा है CH3 CH2 CO और Na, क्या लिखा है Na, और किसने डाल दिया NaOH डाल दिया, ठीक है, और CaO सोडा लाइम डाल दिया, तो क्या आंसर आएगा। सर ने कहा था कि भाई तेरे को कुछ नहीं करना, एक Na दूसरा Na और जो CO पूरे O यहाँ तक NO2CO3 को निकाल दे, अब बचा क्या CH3 CH2 और ये H, तो CH3 CH2 और ये एक H, तो बाकी देखो क्या बन गया NO2CO3, तो क्या बन गया CH3 CH3। तो क्या तेरी भूख शांत हो गई, हाँ। तो ध्यान रखना यहाँ पर एक छोटी सी बात, क्या आप यहाँ से मीथेन बना सकते हो, आंसर इज यस, क्या मीथेन बना सकते हो, तो मीथेन बन तो रहा, देख
अभी बनाना है मैंने मिथेन, तो इस मेथड में क्या है कि भाई मिथेन बन सकता है, मिथेन बन सकता है, मिथेन बन सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा ये बता, क्या समझ इस बात को, क्या इस मेथड से हम ऑड नंबर कार्बन बना सकते हैं? बना सकते हैं, ट्राई करके देख। ऑड नंबर मतलब तीन कार्बन वाला, तो बना के देख। CH3 CH2 CH2 COH, यहाँ एन ले लिया मैंने, ये एसिड है, एसिड क्या डाल दूँ इसके अंदर, NaOH क्या डाल दूँ, NaOH और CaO सोडा लाइम, तो देख क्या हुआ, NO2CO3 गया, H लग गया, CH3 CH2 CH3, तो ये आंसर आ चुका है, क्या बन गया, हाँ बात समझ में आ गया। तो डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, NO2CO3 निकल जाता है और बचा हुआ H जाके यहाँ पर लग जाता है और आपका काम हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन मेथड इन विच सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो नमक है ना, Na का मतलब जब भी Na जुड़ जाए ना समझ जाओ नमक है, तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट इज ट्रीटेड विथ सोडा लाइम, देन सिंगल बॉन्डेड या अल्केन इज फॉर्म्ड, अल्केन इज, दिस मेथड इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। क्या होता है ये, तो क्या इस बार फ्रिज में क्या था एसिड, क्या था पहले फ्रिज में था, डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्लोरीन वाले, क्लोरीन वाले के एक तो जान हाचल वाला रिएक्शन और दूसरा ज्यादा भूख वाला बोर्ज, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम, डी कार्बोक्सिलेशन, क्या पढ़ रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है, NO2CO, बाकी बात समझ में आ गया। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन था, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।